माय नेम इज कृतिका शेखावत एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल. आई वेलकम यू ऑल. दिस इज द कोटेशन आई ट्रूली बिलीव इन. फाइट ऑन एंड फ्लाई ऑन टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड द लास्ट ड्रॉप ऑफ फ्यूल टू द लास्ट बीट ऑफ द हार्ट एज रिटन बाय वॉन रिक्टोफन. ही वाज एन एस पायलट इन जर्मन एयरफोर्स. ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर वन एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. So I have started this YouTube channel so that I can guide you about CDS, CFCAT and CAPF entries, as I am also selected through CDS and AFCAT entries. This is a brief introduction about me. As you know, my name is Kritika Shekhawat and I got 36 All India rank through UPSC CDS 1 2017 entry. I am also recommended through 3FSB Gandhinagar. So this is a brief introduction about me. This is a picture when we got selected from 21 SSB Bhopal. This is me. And she's a very familiar face if you follow Instagram or other social media. A few of them have joined Indian Army and a few of them have joined Indian Navy. All these people are my good friends. This is a recommendation letter. I got it on 14th of December 2017. And that particular time the president of SSB Bhopal was Mr. Brigadier R.P. Rathore. So yeah, this is what I have achieved. Also, I gave 5 UPSC CDS exams. To be honest, I did not clear my first written exam. I cleared my second written exam and then I went to 21 SSB Bhopal and I got recommended from there. I also gave 5 AFCAT exams and recommended from 3FSB Gandhinagar in 2016. So, cleared all written exams, recommended from 3FSB Gandhinagar in my first attempt as well. And this was my second recommendation from 21 SSB Bhopal. Through CDS entry, I got All India rank 36. Since at that particular time, only 12 seats were there for women, so I could not make it to the final merit list. Many people ask me ki mujhe ye inspiration kahan se mili that I want to pursue a career in armed forces. ऑनेस्ट बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, फौज 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 फौज. मेरे जो फादर हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी से रिटायर्ड थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आर्मी से रिटायर्ड थे. इवन माई ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज अ पार्ट ऑफ जयपुर पोलो टीम, ही वॉज इन 61 कैवलरी. माई ग्रैंडफादर वॉज इन AMC एंड माई फादर वॉज इन 9 ग्रेनेडियर्स मेवार. सो या इट इज़ इन माई फैमिली जीन्स. सो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वहीं से मिला है कि फैमिली में everybody serving in armed forces. अगर मैं पूरा क्रक्स लूँ तो मैंने 8 SSB AFSB दिए हैं, स्क्रीन आउट भी देखा है, कॉन्फ्रेंस आउट भी देखा है और रिकमेंडेशन भी देखे हैं और मेडिकली अनफिट भी हुई हूँ मैं और मेडिकली फिट भी हुई हूँ मैं. सो ऑल इन ऑल रिटर्न से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम भी फेल किया है, रिटर्न पास किया है, तो मैं स्क्रीन आउट भी हुई हूँ. स्क्रीन आउट अगर स्क्रीनिंग हुई हूँ तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट भी हुई हूँ और अगर कॉन्फ्रेंस इन होके मैं रेकमेंड हुई हूँ तो मैं मेडिकली अनफिट भी हुई हूँ और कुछ जगह मैं मेडिकली फिट भी हुई हूँ. सो बेसिकली ऐसा कोई प्रोसेस या फेज नहीं है जो मैंने नहीं देखा है. सो आई थिंक आई कैन गाइड यू बेटर कि क्या लूप होल्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो मैंने की और आपको अवॉइड करनी चाहिए. वो सब हम ऑब्वियसली इसी प्लेटफॉर्म पर सीखेंगे. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट द मेन पॉइंट इज जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2016 में, तब एज सच यूट्यूब इतना जितना आज प्रोग्रेस कर रहा है उतना था भी नहीं और हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे, कोई गाइडेंस नहीं थी. तो जो किया सेल्फ स्टडी से किया, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, ना रिटर्न के लिए ना इंटरव्यू के लिए. हाँ, इंटरव्यू के लिए आई वेंट टू माई मेंटर हु इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी ओनली, उनसे थोड़ी बहुत गाइडेंस ली. बट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जो मैंने फॉलो किया है, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था तो सब कुछ सेल्फ स्टडी थी. बट आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम
इसे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, सो हम उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ें हमने फेस की है, जो चीज़ें मैंने फेस की है, वो आज के बच्चे ना करें. और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है. इसके अलावा CDS एग्ज़ाम अगर कोई देना चाह रहा है, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू मेक अ करियर इन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, दिस इज़ द परफेक्ट एग्ज़ाम फॉर दैट पर्सन. CDS एग्ज़ाम की अगर हम बातें करें, तो हमें ये स्टेजेस हैं जो फॉलो करनी होती है. सबसे पहले यू नो इट ऑल, रिटन टेस्ट सबसे पहला हर्डल, फिर आता है SSB इंटरव्यू. आई डोंट थिंक सो इंडिया में SSB इंटरव्यू के लेवल का कोई इंटरव्यू है. आई डोंट थिंक सो कि SSB इंटरव्यू के जो लेवल पे जो एक्सपर्टीज चाहिए और इसके सिलेक्शन के लिए जितनी मेहनत और जितनी स्मार्टनेस चाहिए, वो किसी और इंटरव्यू के लिए चाहिए. क्योंकि अगर हम देखें टेक्निकली, तो इंटरव्यू प्रोसेस एक दिन में ख़त्म हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू SSB इंटरव्यू, यू हैव टू सर्वाइव फॉर 5 डेज. तो आपका सर्वाइवल रिटन के बाद में यहीं से स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ हम बोलते हैं कि ये हमारा प्रथम पग है. वैसे मेरी लैंग्वेज में तो प्रथम पग आपका जिस दिन आप नोटिफिकेशन देखते हो और अप्लाई करते हो, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है. बट फौज में जिस दिन आप SSB इंटरव्यू देते हो, उस दिन से आपका प्रथम पग होता है. इवन अगर आप SSB इलाहाबाद में जाओगे, तो आपको वहाँ प्रथम पग मिलेगा जब आप एंटर करोगे. फिर उसके बाद में SSB इंटरव्यू में अगर आप, दो फेजेस होती है, स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंस. अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हो, उसके बाद में आपको 4 डे सर्वाइव करना होता है, फिर कॉन्फ्रेंस होती है. उसके बाद में अगर आप उसमें रिकमेंड हो जाते हो, तो आपके मेडिकल चलता है. फिर आपको मेडिकली फिट होना पड़ता है. अगर कुछ मेजर इशू नहीं है, छोटा मोटा कोई इशू है, तो आपको 45 डेज का टाइम मिलता है टू रिजॉल्व इट. से फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का हीमोग्लोबिन कम आया, या RBC WBC कम है, या कुछ और माइनर सा इशू है जिसको 45 डेज में रिजॉल्व किया जा सकता है, तो आप 45 डेज के बाद फिर से रीअप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू आर गुड टू गो. अगर वो PR नहीं है, परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, तो उसके बाद में फिर आती है मेरिट लिस्ट. यहीं पे हम 2 बार अटक गए. और इसके बाद में आती है फिर ज्वाइनिंग. आप अगर CDS एंट्री से अगर आप मेरिट इन हुए हो, तो बॉयज जो होते हैं वो इधर AFA, IMA और OTA, ये 3 अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इफ यू आर अ फीमेल और अ वुमेन, यू कैन ज्वाइन OTA चेन्नई. सो CDS एग्जाम से ये प्रोसेस है. एंड ज्वाइनिंग के बाद में जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड होती है, स्टार्स लगते हैं, उस दिन आप जो लास्ट स्टेज है जो क्रॉस करते हो, उसको हम बोलते हैं अंतिम पग. प्रथम पग से आपने स्टार्ट किया, एंड देन यू विल रीच अंतिम पग. लेकिन अंतिम पग ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर का पार्ट है ये, बट आपकी एक्चुअल लाइफ जो है कमिश्निंग के बाद स्टार्ट होती है. कि आप वो टाइम आ जाता है कि अब आपकी यूनिट और आप जिस भी रेजिमेंट या कोर में हो, उसके लिए आपका डेडिकेशन, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर नाउ. तो आपकी एक्चुअल जर्नी अंतिम पग से स्टार्ट होती है. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ CDS एग्जाम. मेन पॉइंट कि व्हाट वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर रिटन एग्जाम. जब मैंने अपना फर्स्ट रिटन टेस्ट क्लियर नहीं किया था CDS वाला, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि व्हाट इज द रीजन, आई मीन कैसे हो सकता है. ऑब्वियसली देयर वाज नो गाइडेंस. तो फिर थोड़ा एनालिसिस किया, थोड़ी रिसर्च की, एंड देन आई गॉट टू नो कि 2 कीज हैं जो CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं उस चीज़ को. एक है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर किसी ने ये बात बोली है कि ये हार्ट एंड सोल है किसी भी एग्जाम के, तो ये एकदम सच है. अगर आपने पिछले 10 साल के PYQs भी सॉल्व कर लिए हैं, तो आपने 60-70% वो एग्ज़ाम को समझ लिया है. सेकेंड, अगर CDS में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है इंग्लिश का पेपर. क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. GK GS का यू कांट से कि क्या होगा क्या नहीं होगा. सो ब्रीफली अगर मैं बताऊँ, तो OTA के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हो, तो आपको 2 एग्ज़ाम लिखने होते हैं, इंग्लिश
एन जी के, 100 मार्क्स का ये होता है, 100 मार्क्स का ये होता है। 20% आई थिंक अभी सेक्शनल कट ऑफ है, हमारे टाइम में थोड़ी सी कम थी, अभी आई थिंक 20% मतलब 20 मार्क्स मिनिमम आपको सब्जेक्ट में लाने ही होते हैं। इंग्लिश में यू कैन टारगेट 70 to 80, और आप CDS का इंग्लिश का पेपर उठा के देखोगे तो इसका एज सच कोई हाई लेवल नहीं है। अगर हम AF CAT की इंग्लिश से इसको कंपेयर करते हैं तो बहुत बेसिक सा पेपर आता है इंग्लिश का। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, PYQ सॉल्व किए हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू आर गुड टू गो। अगर आप वहाँ 70 to 80 ले आते हो और यहाँ अगर आप 40 to 50 भी ले आते हो, देन यू आर गुड टू गो। 100+ इफ़ यू आर स्कोरिंग इन CDS, यू विल डेफिनेटली मेक इट टू द मेरिट लिस्ट। तो जो सबसे बड़ी की है CDS एग्जाम में एज पर मी, वो PYQs हैं एंड इंग्लिश का पेपर है। यहीं से अगर आपने ये सॉर्टेड मैनर में करना स्टार्ट कर दिया है, देन यू आर गुड टू गो। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स और बुक्स और सोर्सेज मैंने फॉलो किए, मैं ऑनेस्टली आई विल टेल यू पीपल कि मैंने क्या फॉलो किया एंड क्या फॉलो नहीं किया एंड मुझे क्या करना चाहिए था। जनरल इंग्लिश, एज आई टोल्ड यू, PYQs, मैंने, मेरे पास उस टाइम पे अरिहंत की प्रीवियस ईयर की बुक थी, उसके पूरे इंग्लिश के पेपर मैंने सॉल्व किए थे जब मेरा फर्स्ट टाइम में रिटर्न नहीं निकला था CDS का। उसके बाद में मैंने PYQs पे बहुत फोकस किया और अरिहंत के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके अलावा मेरे पास में वर्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मन लुईसी वाली बुक भी है, वॉकअप वगैरह के लिए बहुत ठीक है, इट्स अ ग्रेट बुक। तो उस टाइम मैं ये भी पढ़ा करती थी, तो ये इसने भी बहुत मुझे हेल्प की। इसके अलावा हमारे टाइम पे CDS पाथफाइंडर की एक बुक है जो बहुत बहुत चलती थी, क्योंकि ये क्रक्स था, इसमें इंग्लिश भी मिलेगी आपको, GK भी मिलेगी एंड मैथ्स भी मिलेगी, तो सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते थे। तो हम स्टैटिक GK एंड ऑल के लिए CDS पाथफाइंडर को फॉलो करते थे। उसके अलावा वही PYQs एंड प्रैक्टिस पेपर्स भी होते थे इस वाली बुक में, पाथफाइंडर में, तो हम वहीं से वो सब सॉल्व कर लेंगे। हम हमसे मतलब ये है कि मेरे 2016 2017 में जो मेरे जैसे ही डिफेंस एस्पिरेंट्स थे, उन सबको अगर मैं लेके चलूँ तो पाथफाइंडर सबके पास होती थी। ऐसा कोई एस्पिरेंट आपको नहीं मिलेगा जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसके पास में पाथफाइंडर ना हो। नेक्स्ट, अगर GK वाले पेपर की मैं बात करती हूँ, मेहनत बहुत की थी मैंने, बट जब फाइनल रिजल्ट आता था और मैं अपना स्कोर देखती थी तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर होता था और GK GS में उतना अच्छा कभी मिला नहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने 40 से ऊपर कभी भी स्कोर किया है GK में, और जो किया है वो जब मैंने ये बुक्स फॉलो किए उसके बाद में मैंने करना स्टार्ट किया है। जब मेरा पहला CDS नहीं निकला था तब मुझे याद है कि मुझे GK में, एक्चुअली मैंने कट ऑफ तो क्रॉस कर लिया था बट सेक्शनल कट ऑफ में आई फेल्ड, और मेरे GK में आई थिंक 15 या 14 नंबर आए थे आउट ऑफ 100। तो यू कैन इमेजिन, आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट मैंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर किया था GK का। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर से रिसर्च किया, एक दो लोगों से पूछा जो ऑलरेडी सर्विसेज में थे। फिर मैंने जनरल साइंस के लिए NCERTs पढ़ी एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन एवर। जनरल साइंस के लिए ये पढ़ी, और स्टैटिक GK लिए के लिए थोड़ा बहुत ल्यूसेंट GK में से भी हम पढ़ते थे, थोड़ा बहुत मैंने देखा है, बट मैंने मेनली NCERTs पे फोकस था मेरा। पॉलिटी की अगर बात करें तो 11th और 12th की जो पॉलिटी, उसके कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स थे, नॉट सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक जो लेसन्स थे और स्पेसिफिक जो चैप्टर्स थे वो मैंने यहाँ से कवर किए हैं। उसके अलावा हाँ, मेरे पास में उस टाइम लक्ष्मीकांत थी, किसी से सुना था, जोश जोश में ले आए, तो फिर पढ़ डाली। फिर उसमें से बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए थे लक्ष्मीकांत से। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने NCERTs फॉलो की थी, और मेरे पास एटलस, ऑक्सफोर्ड वाली जो एटलस है वो भी रखी हुई थी, तो मैप वगैरह में और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल, और मुझे स्टार्टिंग से बचपन से एटलस का थोड़ा सा शौक भी रहा है, तो इसलिए ये मेरे पास स्टार्टिंग से थी, तो थोड़ा बहुत आई एम गुड विद मैप्स, तो ये भी थी मेरे पास में। हिस्ट्री के लिए वही NCERTs में से थोड़ा बहुत पढ़ा। हिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं की थी उस टाइम पे, बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं पढ़ती थी, टॉपिक वाइज मैं कुछ पढ़ती थी, और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस किया था, एंशियंट और मिडाइवल मैंने नहीं की उस टाइम पे। मॉडर्न हिस्ट्री शुड बी द, इवन पेपर में क्वेश्चंस भी मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आते थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मेरा मेन फोकस वहाँ पे था। हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक है NCERT की, क्लास 11th की, आप वो फॉलो कर सकते हो। मैंने उस टाइम फॉलो नहीं की, मुझे
पे पता नहीं था इतना, बट अभी आर्ट एंड कल्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड हम कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है हर एग्ज़ाम में. तो ये आप एनसीईआरटी जो है क्लास 11 की, उससे पढ़ सकते हो. उसके अलावा मेरे पास स्पेक्ट्रम भी थी. स्पेक्ट्रम के पीछे की स्टोरी ये है कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने गलती से साइंस ले ली थी, मैंने गलती से साइंस में ग्रेजुएशन कर ली, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से बुक्स हिस्ट्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही रहा है. तो स्पेक्ट्रम मैंने वैसे पढ़ने के लिए नहीं ली थी, प्रिपरेशन के हिसाब से नहीं ली थी, सिर्फ मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था इसलिए मुझे इंडियन नेशनल मूवमेंट थोड़ा समझना था इसलिए मैंने ये बुक ली थी. तो इसमें से मैंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा था. तो ये बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट. IAS एस्पिरेंट्स भी इस बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं. बहुत वही बात आ जाती है कि बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके यूज़ के हैं वो आप इसमें से पढ़ सकते हो. इकोनॉमिक्स, आई यूज टू स्किप इकोनॉमिक्स एंड इट टर्न आउट टू बी अ बैड डिसीजन. दिस इज ट्रू. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे तब भी समझ में नहीं आया और जो मुझे आज तक नहीं समझ में आया. तो मैं बहुत भागती थी सब्जेक्ट से और मैंने नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट, एंड यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया रिटन एग्जाम में. उस टाइम पे आई थिंक 80+ कुछ स्कोर था मेरा रिटन में, एंड इंटरव्यू में मेरा थोड़ा बेटर स्कोर था. बट अगर मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा होता और इकोनॉमिक्स भी सॉल्व की होती तो 2-3 नंबर का डिफरेंस भी बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है मेरिट में, मेरिट लिस्ट में. तो आप स्टार्टिंग के लिए 11 12th की NCERT तो स्टार्ट करो. इकोनॉमिक्स में आई थिंक बहुत सफिशिएंट है वो. अगर आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा उससे. अगर मैं ये भी उस टाइम फॉलो कर लेती तो आई थिंक आज मैं यहाँ नहीं होती, कहीं और होती. बट एनीवे, करंट अफेयर्स उस टाइम पे हम प्रतियोगिता दर्पण PD आती थी और CSR आती थी, वो मंथली मैगजीन्स हम लेते थे उसमें से पढ़ते थे एंड करंट अफेयर्स बहुत हद तक वहाँ से कवर हो जाते थे. इसके अलावा करंट अफेयर्स में अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, कौन से शिप्स हैं जो इंस्टॉल होने वाले हैं, कौन सी मिसाइल्स हैं जो टेस्टिंग चल रही है, एयरक्राफ्ट रिलेटेड न्यूज़, ये सारी न्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहती है. गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहती है. तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है CDS में, वी कांट स्किप इट. एंड आई थिंक मेरा हमेशा पास अगर CDS हो जाता था तो इंग्लिश और GK में थोड़ा बहुत मेरा करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. न्यूज़ पढ़ने की आदत मेरी अभी भी है, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ न्यूज़ को. तो आई थिंक वो भी एक रीज़न रहा कि मेरा रिटर्न निकल जाता था. ओके, फैक्टर्स दैट वी कैन कंसीडर बिफोर अपियरिंग फॉर द UPSC CDS एग्जाम. एग्जाम अवेयरनेस, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और क्या उसमें मार्किंग स्कीम रहेगी. क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम नहीं समझोगे आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम CDS एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, वो सब कवर करेंगे, वो सब समझेंगे. इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि हम कौन सी अकेडमी, कौन से एग्जाम देने पे और कौन से पेपर्स देने पे कौन सी अकेडमी मिलती है, लड़कियां कौन से एग्जाम दे सकती है, लड़के कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती है लोगों को. जैसे OTA सिर्फ लड़कियाँ सिर्फ OTA वाला एग्ज़ाम दे सकती है, AFA INA और IMA के लिए नहीं दे सकती है. अब कई लोग पूछते हैं अगर AFA जाना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट AF कैट एग्जाम. अच्छा, किसी को INA जाना है तो उनके लिए फिर टेक्निकल एंट्रीज होती हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. अभी तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ एंड हम क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए CDS एग्जाम में अपियर होने से पहले. सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग. ऑब्वियसली कि आपको सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, सिलेबस में कितना मेंशन किया हुआ है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है. जैसे मुझे मेरी वीकनेस पता थी कि मेरा इकोनॉमिक्स बहुत ख़राब है, ठीक है. मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता थी कि करंट अफेयर्स में, जनरल साइंस में ये सारे मेरी स्ट्रेंथ्स हैं. तो मैंने जो मेरे स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स थे उनको मैंने और स्ट्रॉन्ग किया कि एटलीस्ट इनमें से अगर कुछ आए तो मैं कभी लैक ना करूँ. मुझे ऐसा ना हो कि यार ये मुझे आता है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ. तो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करो और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें ऑब्वियसली आपको और थोड़ा उस पर वर्क करना होगा. सो दैट उसको थोड़ा टाइम देना होता है. जो आपके वीक सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है ताकि धीरे 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 वो भी आपका स्ट्रेंथ बन जाए. अगर स्ट्रेंथ भी ना बने तो एटलीस्ट आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इतना नॉलेज हो जाए कि कुछ क्वेश्चन फंस रहा है उसमें से तो आप
ऑप्शंस में से देख के थोड़ा गेस कर सकूं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में, तो वाइल्ड गेस हो जाएगा, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, वो फिर तुक्का लगाना होता है। तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, सिर्फ एग्जाम ही नहीं, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपको एसएसबी इंटरव्यू में भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जिस इंसान को अपने बारे में अच्छे से पता है उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, वो एसएसबी इंटरव्यू में 90% है कि वो सेलेक्ट हो जाता है। जिनको सराउंडिंग्स तो बहुत दूर की बात है, खुद के बारे में ही नहीं पता, तो उनका फिर डाइसी सिचुएशन रहता है थोड़ा सा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन सबको पता है, सब बोलते हैं एनसीईआरटीज आर दी मेन फाउंडेशन, एंड इट्स ट्रू। बेस मजबूत होता है तभी उस पर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो आपको पहले बेस, कुछ नहीं है, इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट या आप कॉलेज में हैं या आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जाम देना, तो कुछ नहीं है, एनसीईआरटीज उठा के पढ़ लो, ऐसे बुक्स की तरह पढ़ लो, इतना कुछ है नहीं उसमें। एक दो बार उसकी रीडिंग की आपको वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद हो जाएगी उसमें से। रेलिवेंट स्टडी मटीरियल, बुक्स और यूट्यूब चैनल, किसी की भी प्रिपरेशन में, आप कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी में सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपने क्या बुक्स चूज़ की है, आप किन सोर्सेज से पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप 10 YouTube चैनल देख के पढ़ रहे हो या 10 किताबें लेकर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक बुक लो, उसे 10 बार पढ़ लो, एक चैनल लो उसे, अगर कोई, और यूट्यूब चैनल ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा, अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आपने यहाँ से भी समझे वहाँ से भी समझे, आपको प्रैक्टिस करने का कभी टाइम नहीं मिलेगा। एक दो चैनल शॉर्टलिस्ट करो जो आपको लगता है कि ऑनेस्टली आपको हेल्प कर सकते हैं इन दिस एग्जाम, तो वहाँ से देखो। बाकी बुक्स, बहुत सेलेक्टेड बुक्स एनसीईआरटी के बाद में बहुत सेलेक्टेड बुक्स आपको लेनी है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए या इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स उसमें से पढ़ने हैं। तो ये है, तो बहुत रेलेवेंट एंड रिलायबल स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी नोज इट कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स का कितना बड़ा रोल है। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करो एंड मॉक टेस्ट दो, आपकी 70% प्रिपरेशन का आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा। और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, आइडियाज सॉरी आइडेंटिफाई करो एरियाज जहां पे आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की नीड है, और स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की आपको स्टडी प्लान बनाना है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है एग्जाम से पहले, और आपको कौन से सब्जेक्ट्स में थोड़ा कंफर्ट लेवल हाई है, किसमें कंफर्ट लेवल थोड़ा कम है। तो जिसमें आपको लग रहा है कि ये मेरी वीक पॉइंट है, तो उसको आधा घंटा 1 घंटा दो हर दिन, एंड एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना के आप स्टार्ट करो। और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, हर सब्जेक्ट को आपको एक टाइम देना है कि मुझे ये इतना पढ़ना है, इतना सफिशियंट है, और मुझे ये इतना पढ़ना है क्योंकि ये इतना सफिशियंट नहीं है। क्योंकि अपने बारे में हमें ज़्यादा बेटर पता होता है, मुझे पता है कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीक पॉइंट है, तो मैं अपना स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली बनाऊंगी। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो फिर मैं स्टडी प्लान बना भी लूँ उससे कोई मैटर नहीं करेगा। क्योंकि पहले तो यही शॉर्टलिस्ट करना है कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कितना है और पढ़ना कैसे है, और उस पर्टिकुलर पढ़ने को कैसे अरेंज करना है, कितने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। एंड वही है कि प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा ढालना है, कि ऐसे नहीं है कि 1 महीना रह गया पेपर में अब आई विल स्टार्ट स्टडी या ऐसा कुछ। ऐसा कुछ अगर आप लेके चलोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, और कम ऑन, यू आर गोइंग टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। डिसिप्लिन इज द की। जिस इंसान में डिसिप्लिन नहीं है, सॉरी, आपके लिए फोर्सेस में कोई जगह नहीं है। क्योंकि पहला स्टेप, अगर आप फोर्सेस में जाने वाले हो, पहला स्टेप अगर कोई है जो आपको उस तरफ ले जा सकता है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टडी में अपना डिसिप्लिन दिखा रहे हो, उसका ये मतलब भी है कि आप डे टू डे लाइफ में कितने कितना डिसिप्लिन फॉलो करते हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है डिसिप्लिन। तो टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, अगर ये किसी इंसान को मैनेज करना आ गया है ना, ही और शी इज गुड टू गो। अगेन रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर द की फैक्टर्स एग्जाम के लिए। कंसिस्टेंसी और लाइफ में कुछ बनने के लिए डिसिप्लिन, ये दोनों एक रामबाण हम बोल सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इवन अगर आपको लाइफ में भी विन करना है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, यू आर डेफिनेटली गुड टू गो। ऑल्सो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी बॉडीज
नीड्स देखो, अपनी बॉडी की नीड्स आपको देखनी है कि आपकी बॉडी कितना कितना आपको दे सकती है कि आप उतनी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा सको। क्योंकि अगर आपकी आपको बर्नआउट फील होने लग गया और आप जबरदस्ती पुश कर रहे हो कि यार मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया है, वो 8 घंटे यू आर जस्ट वेस्टिंग। तो उनको वेस्ट करने से बेटर है कि अपनी बॉडी की नीड्स को समझो, बर्नआउट होने से बचो एंड एक दो दिन का ब्रेक ले लो। बिकॉज वही होता है ना, खुद को रिफ्यूल करना बहुत जरूरी है और उसके बाद में फिर वापस से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आप बर्नआउट फील कर रहे हो और कुछ मिसिंग है, तो आई विल सजेस्ट कि ब्रेक ले लो एक दो दिन का, गो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, और उसके बाद में फिर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हर फौजी के मुंह से आप सुनोगे जो अपने जब वो एक एस्पिरेंट था, यू हैव इट इन यू, ये लाइन खुद को कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करवानी है दैट यू हैव इट इन यू। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये लाइन रिमाइंड नहीं करवाओगे, जब तक आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे कि आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए, तब तक किसी और को आप में विश्वास नहीं होगा। तो यस, यू हैव इट इन यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम हियर नाउ। और हम ट्राई करेंगे कि CDS से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ अकेडमी से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, SSB इंटरव्यू से रिलेटेड, जितने भी SSB सेंटर्स हैं उनसे रिलेटेड, या जितनी भी अकेडमीज जो कि जो भी आप ज्वाइन करने वाले उससे रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो डिफेंस से रिलेटेड है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आई एम हियर एंड या सो जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।